एवरीवन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के एक और वीडियो में मैं अमित सियाराम द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेयर, जिसकी स्पेलिंग होती है DARE। बेसिकली डेयर का यूज आपको पता है डेयरिंग, हिम्मत से मिलकर बना हुआ है। यस नो? तो जब आपको किसी व्यक्ति को चैलेंज देना पड़ जाए, कम ऑन, क्या देना पड़ जाए, चैलेंज देना पड़ जाए, चुनौती देना पड़ जाए, तब हम लोग यूज करते हैं डेयर का। देख लेते हैं, तो जब आपको किसी व्यक्ति को क्या देना पड़ जाए, चुनौती देना पड़ जाए, चैलेंज देना पड़ जाए, तो हम किसका यूज करते हैं डेयर का। बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन बनाने के लिए पहले मेन वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा गाइस, उसका सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सारे के सारे मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डेयर के केवल दो यूज हैं, पहले देखते हैं सबसे पहला यूज। पहला, जब आपको किसी व्यक्ति को चुनौती देना पड़ जाए तब हम यूज करते हैं डेयर का। मैंने आपसे कहा क्या आप यहां से कूद सकते हो, अभी हम चौथे मंजिल पर हैं, तो कैसे पूछेंगे, क्या आप यहां से कूद सकते हो, तो अपन क्या बोलेंगे, डेयर हो जाएगी हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, आप हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे यू, और कूदने को क्या बोलेंगे जंप। कहां से? यहां से, तो हम बोलेंगे फ्रॉम हेयर, तो हम बोलेंगे डेयर यू जंप फ्रॉम हेयर, क्या आपके यहां से नीचे कूदने की हिम्मत है। तो जब आपको किसी व्यक्ति को एक चुनौती ललकारना पड़ जाए तो अपन किसका यूज करते हैं डेयर का। जैसे मैंने आपसे कहा क्या आप अपने फादर को पलट के जवाब दे सकते हो, तो क्या हो जाएगा डेयर यू, कम ऑन, क्या हो जाएगा डेयर यू, पलट के जवाब देने को वो इंग्लिश में कहा जाता है आंसर बैक। डेयर यू आंसर बैक टू योर फादर, क्या आप अपने फादर को पलट के जवाब दे सकते हो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा डेयर यू आंसर बैक टू योर फादर। कितनी बड़ी डेयरिंग है, और आई थिंक आपको ये काम कभी नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर आंसर बैक टू योर फादर और योर एल्डर्स, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट। वेल, तो जब आपको किसी व्यक्ति को क्या देना पड़ जाए, चुनौती देना पड़े, क्या आप यहां से कूद सकते हो डेयर यू जंप फ्रॉम हेयर, क्या आप अपने फादर को पलट के जवाब दे सकते हो डेयर यू आंसर बैक टू योर फादर। तो जब आपको किसी व्यक्ति को चुनौती देना पड़ जाए तब हम यूज करते हैं गाइस किसका डेयर का। कम ऑन गाइस, किसका यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं गाइस डेयर का। डेयर का यूज कब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को चुनौती देना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेयर का दूसरा यूज हम तब करते हैं जब आप चुनौती आपको हारना हो, जब आपको बोलना पड़ जाए कि भाई मेरे इस काम को करने की हिम्मत नहीं है, तब आप यूज करते हैं डेयर का। ये लास्ट यूज है, देख लेते हैं जरा। दूसरा डेयर का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब आपने किसी व्यक्ति ने आपको चुनौती दी कि आप कूद सकते हो, क्या दिया बंदे ने, डेयर यू जंप। आप बोलेंगे सर क्या इसमें कैन यू जंप नहीं हो सकता, देखो कैन यू जंप मतलब क्या है, क्या आप यहां से कूद सकते हो, आप किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटी जानना चाह रहे हो। लेकिन यहां आप व्यक्ति की कैपेबिलिटी नहीं जान रहे, आप उसको ऑलरेडी पता है कि वो नहीं कूद सकता, लेकिन फिर आपको उसको चुनौती। दोस्तों डेयर का जो दूसरा यूज होता है, जब आपको किसी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है तब हम यूज करते हैं डेयर का। एक बार इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको बोलना पड़ जाए कि नहीं भाई ये काम करने की मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी यहां से कूदने की हिम्मत नहीं है, तो आप बोलेंगे आई डेयर नॉट जंप, क्या बोलेंगे, मेरी कूदने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट जंप यहां से, तो क्या बोल देंगे फ्रॉम हेयर, मेरे को अपने पापा को पलट के जवाब देने की हिम्मत नहीं, तो आप बोल देंगे आई डेयर नॉट आंसर बैक। आपको चुनौती एक्सेप्ट नहीं करना, भाई क्यों करूं मैं अपने फादर को आंसर बैक, किसी भी केस में आई कांट आंसर बैक टू माय फादर। तो जब आपको चुनौती एक्सेप्ट नहीं करना तो आप यूज करते हैं डेयर नॉट, तो आप बोलेंगे आई डेयर नॉट आंसर बैक टू माय फादर, आपको बोलना पड़ जाए कि मेरे को अपने फादर को आंसर बैक करने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे आई डेयर नॉट आंसर बैक टू माय फादर। तो बेसिकली डेयर का पहला यूज कब है, जब आपको किसी व्यक्ति को चुनौती देना पड़ जाए तो किसका यूज करते हैं डेयर का यूज करते हैं। कम ऑन, किसका यूज करते हैं डेयर का। क्या आप फादर को आंसर बैक कर सकते हो, कैन यू आंसर बैक टू योर फादर, यस नो। किसी व्यक्ति को आपको चुनौती देना पड़ जाए कि क्या आप एप्पल का मोबाइल खरीद सकते हो, आपको पता है बेचारा बंदा नहीं खरीद सकते लेकिन आप उसको चुनौती दे रहे हैं, तो आप कैसे देंगे डेयर यू बाय एप्पल्स मोबाइल फोन, यस नो। दूसरा, जब आपको चुनौती से इंकार करना है, आपने कहा मैं मुझे नहीं करना, मेरी हिम्मत नहीं करनी, आई डेयर नॉट जंप फ्रॉम हियर, मैं यहां से नहीं कूद सकता,
आई डेयर नॉट आंसर बैक टू माई फादर. हिंदी में लिख देता हूँ आप लोगों के समझने के लिए. मैं, या ऐसा बोल सकते हैं, मुझ में अपने पापा जी को पलट कर जवाब देने का साहस नहीं है. जब आपको बोलना पड़ जाए मुझ में अपने पापा जी को पलट कर जवाब देने का साहस नहीं है, या मुझ में अपने पापा को पलट कर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, तब हम यूज करते हैं आई डेयर नॉट आंसर बैक टू माई फादर. बोलना पड़े उसकी यहां से कूदने की हिम्मत नहीं है तो क्या बोलेंगे, ही डेयर नॉट जंप फ्रॉम हियर. डेयर के बेसिकली दो ही यूज है, पहला किसी व्यक्ति को ललकारने के लिए, चुनौती देने के लिए, और दूसरा है जब किसी व्यक्ति को चुनौती से बचना है तो वो बोलता है डेयर नॉट. Yes, no, dare के बेसिकली दो ही यूज हैं. आपको अगर बोलना पड़ जाए कि अगर मैं चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहूं तो क्या करेंगे, गाइस अगर आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना ही है तो आप यूज करेंगे कैन का. तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने आपको चैलेंज दे ही दिया, डेयर यू जंप फ्रॉम हेयर, क्या आपके यहां से कूदने की हिम्मत है, डेयर यू जंप फ्रॉम फिफ्थ फ्लोर, क्या आपकी फिफ्थ फ्लोर से कूदने की हिम्मत है, और आपने कहा हाँ मेरी हिम्मत है, तो आप अगर इसका आंसर करेंगे पॉजिटिव आंसर करेंगे तो आप डेयर की जगह लगाएंगे कैन, आई कैन जंप फ्रॉम हेयर. Are you getting the point? तो basically dare के दो use, जब आपको चुनौती देना हो या चुनौती से मना करना हो. अगर चुनौती से मना करना है तो आप लगा देंगे dare not, और चुनौती को accept करना है तो आप बोलेंगे I can. Come on, क्या बोलेंगे, I can. Are you getting the point? और कोई व्यक्ति आपसे कहे dare you learn English, क्या आपकी English सीखने की हिम्मत है, तो आपने कहा हाँ अमित सर मेरे साथ मैं English सीख सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, I can learn English. Dare you speak English? I can speak English. Yes, no. चुनौती देने के लिए dare का, और चुनौती accept करने के लिए हम लोग यूज करते हैं can का. और चुनौती अगर accept नहीं करना तो आप यूज करेंगे dare not. मेरी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं, आई डेयर नॉट टेल अ लाई. मेरी सुसाइड करने की हिम्मत नहीं, आई डेयर नॉट सुसाइड. मेरी सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि सुसाइड कायर करते हैं. दोस्तों लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आपको वरियर नहीं बनना, चिंतित नहीं करना, आपको वॉरियर बन जाना. यस नो, कुछ लोग वरियर बन जाते, चिंतन करने लगते हैं. याद रखिए दोस्तों, चिंता चिता समान, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए और वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए. तो चिंता नहीं करना, चिंतन करना है. यस नो, फ्यूचर के बारे में सोचना है. आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? तो कभी भी कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए आपको हमेशा उसका सामना करना है. क्योंकि याद रखिएगा कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए एक न एक दिन सवेरा जरूर होता है. कि माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है. दोस्तों कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए कभी भी आपको गिव अप नहीं करना, हमेशा लगातार कोशिश करते रहना है. और याद रखिएगा जब कभी आपके हिम्मत या हौसला टूटने लगे तो बस इतना याद रखना कि यू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर. दोस्तों अमित सियाराम, मेरी इस बात को याद रखिएगा जब आप कभी लाइफ में हार जाएं. क्या, मेरी चार लाइन को याद रखिएगा कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा. कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और यूं थककर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, यूं थककर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. इन्हीं चार लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाकी बातें ब्रेक के बाद. इसी तरह कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज. बाय बाय.